वर्धा जिल्ह्यात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचाराला वेग आला आहे। मोठमोठे नेते आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी जिल्ह्यात येत आहेत। आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वर्धा जिल्ह्यात जाहीर सभा घेतल्या। त्यांनी विकासासाठी महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले। मैंने इस देश में इलेक्ट्रिक की गाड़ी लाई, इथेनॉल की गाड़ी लाई, सीएनजी लाया, अब हाइड्रोजन लाया और इस देश का किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गया, ऊर्जादाता नहीं ईंधनदाता बन गया, ईंधनदाता नहीं हाइड्रोजन दाता बन गया। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है और नागपुर में 100% किसानों ने तैयार किए हुए मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलासेस से, बाम्बू से, टनस से बने हुए इथेनॉल की गाड़ी चलती है। वर्ल्ड की पहली गाड़ी टोयोटा की इनोवा मेरे पास है जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है और पेट्रोल के तुलना में एवरेज की तुलना करो तो केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। ई रिक्शा हमने देश में लाई, 1.5 करोड़ लोग जिसमें 70% आबादी मुस्लिम और दलित समाज की थी, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, मानवीय शोषण था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरे दिन हुआ। मैं मंत्री बना, मैंने IIT इंजीनियर सबको बुला और मैंने कहा मुझे ये रिक्शा, साइकिल रिक्शा बंद करना है। उसके पुलगांव के कार्यकर्ता बहुत बार मांग करते रहे और ये रोड पर बहुत अतिक्रमण भी है। अगर वो ठीक से हटने का काम अगर हुआ तो ये सीमेंट, कंक्रीट, फुटपाथ, इलेक्ट्रिक के पोल लगाकर इसको भी मैं चुनाव के बाद आपको निश्चित रूप से अच्छा करके दूंगा, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। अभी हमारे इस क्षेत्र में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ अपने सांसद ने अपने पत्नी को खड़ा किया है और जहाँ आया हूँ वहाँ भी एक ही परिस्थिति है। और पहला यह है कि आप राजेश को MLA बनाइए, आमदार चुनकर दीजिए। मैं जो उड्डान पुल है, यहाँ जो ब्रिज है धामणगांव के तरफ जाने वाला, वो विशेष रूप से 16 गांव को जोड़ा जाता है, मैं चुनाव के बाद राजेश को MLA के रूप में मेरे पास भेज दीजिए, मैं उस ब्रिज को मंजूर करके दूंगा, ये आपको विश्वास देता हूँ। देवळीच्या MIDC मध्ये परप्रांतीयांना नौकरी मिळते आहे, कोण विचारेल? पुलगावचा कॉटन मिल बंद आहे, गुंजखेड्याकडे जाणारा जो उड्डाण पूल होता बंधूंनो तो 2016 आर्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या नावाने त्याचा आदेश झाला होता। कोण आहे आर्या? ही रणजित कांबळेची मुलगी। त्यांनी स्वतः हा कॉन्टॅक्ट मिळवला 2016 मध्ये। कॉन्टॅक्ट मिळवल्यानंतर बंधूंनो त्याचं काम झालं नाही। 2019 ला ही आर्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी ब्लॅक लिस्ट मध्ये गेली। आता या रणजित कांबळेला ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकायचं आहे का नाही? आपल्याला खूप त्रास होतो आहे बंधूंनो। या देवळीला MIDC आहे, सेकंड फेज MIDC चा विजय गोपाल मार्गावर होणार होता पण 6 वर्षापासून तो सेकंड फेज सुद्धा झाला नाही। आणि विशेष करून तडस साहेबांनी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी दिला पण भूमिपूजना कोण करतात? आता भूमिपूजना करतात आमदार म्हणून नजीत प्रताप कांबळे। आता हे असं किती दिवस चालू द्यायचं? म्हणून या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो मागील 25 वर्षापासून एका घराण्याची सत्ता या विधानसभेमध्ये आहे। त्याच्या पूर्वी 10 वर्ष प्रभाराव, 25 आणि 10 35 वर्षापासून या ठिकाणी एका घराण्याची सत्ता आहे आणि एक पिढी या ठिकाणी या रणजित कांबळेंनी बर्बाद करून टाकली। काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा माझा आवाहन आहे, अरे बाबा एक पिढी नाही, ये रणजित कांबळे तो उनके चारुलता टोकत जो बहन है उसका भी नहीं हुआ,
तुम्हारा हमारा कहां से होगा। आणि आता लाडक्या बहिणींच्या विरोधात सुद्धा त्यांनी स्टेटमेंट केलाय, काय म्हटलंय, लाडक्या बहिणींचा जो 1500 रुपये पगार आहे काँग्रेस वाले म्हणतात आता तर कोर्टात गेले होते ते आणि आता म्हणायला लागले आम्ही हा पगार बंद करू। अरे एखादी आमदार असता माझ्यासारखा त्या विधान भवनामध्ये जाऊन म्हटलं असतं लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये कमी होते, 2500 रुपये लाडक्या बहिणींना द्या, पण हे म्हणतात की पगार बंद करा।